गाइस वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विच इज नेवीज वाइफ ब्लॉग। सो गाइस अभी मैंने सोचा कि ब्लॉग एडिट कर देती हूँ। सो उससे पहले मैंने सोचा कि क्यों ना मैं आपका वेलकम कर लूँ अपने ब्लॉग पर। सो अभी दोपहर के 3 या 4 बज रहे होंगे और बाबू अभी तक सोया नहीं है और ये अपने कामों में लगा हुआ है। सो अभी मैं मतलब ऐसे लेट कर फ़ोन ही बस ऐसे चला रही थी क्योंकि अभी का टाइम थोड़ा सा टाइम मिलता है। सो पतिदेव तो अभी यहाँ है नहीं और मेरा कल फास्टिंग था पहला सोमवार का मैंने कर लिया सुबह में। आज पूजा पाठ कर ली हूँ, कल ही फास्टिंग था और आज मैंने जो मॉर्निंग में पूजा होता है वो कर ली हूँ। लेकिन गाइस मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि मेरा वैसे कल या परसों से ही मेरे को बहुत फिर से वीकनेस सा हो रहा था तो मैं अभी फिर से मेडिसिन बीच में छोड़ दी थी, अभी मैं फिर से खाने लगी हूँ और पता नहीं इतना क्यों अजीब सा मन हो रहा है, मतलब क्या ही बोलूँ मैं। और बाबू तो अभी सोने वाला नहीं है और मुझे भी नहीं नींद आने वाला। मैं रात में भी लेट से सोई थी क्योंकि उन लोगों को जाना था 2 बजे, दो बजे उन लोगों का फ्लाइट था तो वो लोग 11:30 बजे घर से गए तो रात में भी नहीं ठीक से सो पाई थी। और अभी दिन में भी फिर जल्दी उठ गई, पूजा करना था, फिर जो भी अपना कुछ काम होता वो सब करना था, बाबू का बॉटल साफ करना था, उसके बाद बाबू को तेल मालिश करके उसको कपड़े वपड़े पहना कर रेडी कर दी। बड़ी बहन ने बाबू को नहला दिया था। सो अभी जो मैं ब्लॉग डालने वाली हूँ वो ब्लॉग यही सोमवारी से रिलेटेड है और मैं बाकी और सारा जो वीडियो इसमें मर्ज करने वाली हूँ वो आज का नहीं है, वो पहले का है। सो मेरे फ़ोन में अभी ज़्यादा कुछ भी नहीं है, मेरे पति देव के फ़ोन में मैं शूट करके रखती हूँ वीडियोस क्योंकि मेरे फ़ोन में स्पेस नहीं रहता इस वजह से, तो वो तो चले गए तो इस वजह से अभी थोड़ा दिक्कत है। बाकी मेरा एंड्रॉयड वाले फ़ोन में है अभी वीडियोस तो मैं सेकंड चैनल पर डाल दूँगी। सो बहुत सो करती हूँ मैं तो गाइस वीडियो पे प्लीज़ आप लोग ढेर सारा प्यार दो और मेरे को 10K बहुत जल्दी करवा दो आप लोग, मतलब मेरे मेहनत से करवाना, ऐसे नहीं मेरे बोलने से। और जल्दी से मैं यही प्रे करती हूँ भोलेनाथ से 10K अच्छे से हो जाए और पति देव अच्छे से जल्दी से घर आ जाए। और सावन चढ़ा देती हूँ।
बनो इधर। वेरी गुड। पानी डालने से निकालना है। क्या डालने जाएंगे या पानी डालेंगे?